एक कश्ती अगर डूब रही हो, तवज्जो है ना, एक कश्ती अगर डूब रही हो, उस कश्ती में मौजूद तमाम लोग किनारे लगने की कोशिश करें तो मुमकिन है कि वो साहिल तक पहुंच जाएं, और अगर कश्ती में मौजूद तमाम लोग एक दूसरे को धक्का देने लगे तो जाहिर है कि फिर उनमें से कोई एक भी बच पाने वाला नहीं है। आज तुमने इसको डुबाया है, कल तुम्हें कोई और डुबाएगा। आज तुमने इसको मारा है, कल तुम्हें कोई और मारेगा। और मेरे प्यारे आका के पैगंबरों, हमारा मजहब मायूसी का मजहब नहीं है। इस्लाम डिप्रेशन की बात नहीं करता है, इस्लाम निगेटिविटी की बात नहीं करता है, इस्लाम लोगों को मायूस नहीं करता है। आज दुनिया में जो कुछ हो रहा है और हमारे मुल्क में भी जो कुछ हो रहा है, हमें मायूस होने की जरूरत नहीं है, हमें डिप्रेस होने की जरूरत नहीं है। याद रखें, हम तो मुट्ठी भर थे मैदाने बदर में, तब भी अल्लाह ने हमको कामयाबी अता फरमाया था। हम तो मुट्ठी भर थे मैदाने करबला में, तब भी अल्लाह ने हमी को कामयाबी अता फरमाया था। हम तो मोइनुद्दीन अजमेरी की शक्ल में तन्हा थे हिंदुस्तान में, तब भी अल्लाह ने हमको इज्जत अता फरमाया था। आज हमारे मुल्क के अपने हुक्मरान, आज बड़े बड़े पॉलिटिशियन और पार्टियां हमारी अगरचे दुश्मन बन गई हो, लेकिन मुसलमान मायूस मत होना। और याद रखना, दुनिया में तुम्हारी कोई और मदद करे ना करे, अल्लाह से बढ़कर तुम्हारा मददगार दूसरा कोई नहीं हो सकता। और अल्लाह जिसकी मदद करना चाहे, क्या बताइए कोई उसे मार सकता है? और अल्लाह जिसकी मदद ना करना चाहे, क्या बताइए उसे कोई बचा सकता है? अपनी सारी उम्मीदें अपने घर में मौजूद डॉक्यूमेंट्स पर नहीं, अल्लाह की जात पर लगा दो। सारी उम्मीदें अल्लाह से वाबस्ता कर दो।